कोरोना की तीसरी लहर की संभावना के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत काम करने की योजना बनाई है। इसके तहत दिल्ली में कोरोना संक्रमण की वृद्धि के दौरान रंग प्रणाली काम करेगी। इसके लिए अभी से योजना तैयार की गई है। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ते ही मॉल और बाजारों में ऑड और इवन फार्मूला लागू किया जाएगा। हालात को काबू में करने के लिए दिल्ली मेट्रो का परिवहन भी बंद कर दिया जाएगा। किस संकेतक में क्या होगी तैयारी? यदि संक्रमण दर लगातार दो दिनों तक 0.5% से अधिक बनी रहता है या एक सप्ताह तक 1,500 कोरोना के नए मामले आते हैं या फिर अस्पतालों में 500 ऑक्सीजन बेड औसतन एक सप्ताह तक के लिए भरे रहते हैं तो ये अलर्ट प्रभावी रहेगा। किस तरह लगेगा प्रतिबंध? पीला, इस दौरान बाजारों और मॉल में गैर जरूरी सामान और सेवाओं वाली दुकानों को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ऑड इवन फार्मूले के अनुसार खोलने की अनुमति होगी, जबकि नगर निगम क्षेत्र में विक्रेताओं की आधी क्षमता पर एक साप्ताहिक बाजार लगाने की अनुमति होगी। निर्माण गतिविधियों और औद्योगिक इकाइयों को संचालित करने की अनुमति होगी। अम्बर, पीला नारंगी मिश्रित, यदि संक्रमण दर लगातार दो दिनों तक 1% से अधिक रहती है या एक सप्ताह में 3,500 नए मामले आते हैं या फिर एक सप्ताह के दौरान औसत 700 से अधिक ऑक्सीजन बेड भरे रहते हैं तो ये अलर्ट लागू होगा। किन पर लगेगा प्रतिबंध? निर्माण गतिविधियों की अनुमति होगी। बाजारों और मॉल में दुकानों को ऑड और इवन के तहत सुबह 10 से शाम 6 बजे तक खोला जा सकेगा। नारंगी, अगर लगातार दो दिनों तक कोरोना संक्रमण की दर 2% से अधिक बनी रहती है तो ये एक सप्ताह के दौरान 9,000 नए मामले दर्ज होते हैं या फिर अस्पताल में औसतन 1,000 ऑक्सीजन बेड लगातार 7 दिनों तक भरे रहते हैं तो ये अलर्ट लागू होगा। प्रतिबंध, किराना, दूध व कॉस्मेटिक जैसी आवश्यक सामानों की दुकानों को छोड़कर सभी मॉल बाजार बंद रहेंगे। मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी। बसों का केवल आवश्यक गतिविधियों में लगे यात्रियों के साथ 50% बैठने की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति होगी। ऑटो, कैब, ई रिक्शा में अधिकांश 2 यात्रियों को ले जाने की अनुमति होगी। लाल, यदि कोरोना की संक्रमण दर लगातार 2 दिनों तक 5% से अधिक हो रहती है तो ये एक सप्ताह में 16,000 नए मामले दर्ज होते हैं या फिर अस्पतालों में औसतन 3,000 ऑक्सीजन बेड एक सप्ताह या उससे अधिक समय तक भरे रहते हैं तो ये संकेत प्रभावी होगा। प्रतिबंध, निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। यदि श्रमिक साइट पर रह सकते हैं तो कारखाने में केवल आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने की अनुमति दी जाएगी। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।